Good morning, 9th class. Today we are dealing with chapter number 10 and name of the chapter is Gravitation. And in this chapter, total number of topics we have 7. And today we are dealing with topic number 1, 10.1. The name is Gravitation. So here is our topic 10.1 and name of the topic is Gravitation. And today we are going to deal with all these 4 subtopics: definition, then universal law of gravitation, then related numerical, and then assignment number 1 also. So now on the next page, what we have? Subtopic number 1, gravitation. About gravitation, what we have? Definition. So definition is force with which two objects attract each other due to their masses. So here what we have for understanding this definition, we have here two objects. One of them, both are toys, clear? So according to this, gravitation, force with which two objects attract each other, that means here this toy is attracting this one and this toy is also attracting this one, right? Ye dono ek dusre ko attract karte hain and the force of attraction between them is known as gravitation, clear? Aur ye force kiski wajah se hota hai? Because of their masses, right? तो यहाँ पे आप देखोगे दिस टॉय इज सराउंडेड विथ सराउंडेड बाय हियर विथ दिस कॉपी विथ दिस पेन आल्सो इट इज़ आल्सो मींस इन इट सराउंडिंग दिस टॉय इज़ आल्सो प्रेजेंट, राइट? तो इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं बट हम अपने स्टडी को किसके साथ कॉन्साइड कर रहे हैं विद रेफरेंस टू ओनली दीज 4 आर्टिकल्स. दो हमारे पास टॉय हो गया, एक कॉपी हो गया और एक पेन हो गया. तो इस टॉय के पास मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा? बिटवीन दीज टू टॉयज, देन बिटवीन दिस टॉय एंड पेन, बिटवीन दिस टॉय एंड कॉपी, राइट? तो इतने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं. अब यहाँ पे हमारे पास है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन, राइट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ देयर मासेस. उनके मासेस के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर a simple concept lying behind this is here you know this famous personality Newton's, okay? आप अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था about the 3 laws of motion, right? About Newton's law of motion, right? तो first law पढ़ा था, second and third law also. In the third law, what was given there? Every action there is equal and opposite reaction. So once upon a time, Newton was sitting below the tree. वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. Suddenly an apple falls towards earth. उन्होंने सिंपल सा सोचा कि अगर अर्थ नीचे सॉरी अगर एप्पल नीचे की तरफ गिरता है तो फिर एप्पल ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, वो अर्थ की तरफ ही क्यों आता है, राइट? बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर एप्पल नीचे आ रहा है तो अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए था. सो दिस कॉन्सेप्ट और दिस लॉजिक इज हिडन इन द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? हियर एफ इज इक्वल टू एम ए. ओके, इफ़ यू इलाबोरेट दिस टर्म देन ए मास आप उस तरफ ले जाओ क्या हो जाएगा? ए इज इन्वर्सली रिलेटेड टू एम, राइट? ए इज इन्वर्सली रिलेटेड टू एम, दैट मीन्स इफ एम इज मोर ए इज लेस, राइट? दोनों एक ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, राइट? दे आर जस्ट वाइस वर्सा. सो इफ मास इज मोर एक्सेलरेशन इज लेस. एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, राइट? सो हियर व्हेन यू कंपेयर अर्थ एंड व्हेन यू कंपेयर एप्पल, एप्पल का मास ज़्यादा होता है या अर्थ का? अर्थ का मास ज़्यादा होता है, राइट? सो मास ऑफ अर्थ इज मोर, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज लेस, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज लेस और यू कैन से दैट नेग्लिजिबल. व्हेन यू कंपेयर दिस विद एप्पल, सो एप्पल मास इज लेस, apple mass is less, so acceleration is more, that means change in velocity of apple is more. force of attraction दोनों के बीच में तो होता है लेकिन apple को आप गिरते हुए क्यों देखते हैं? because of its mass. उसका mass कम होता है तो उसका acceleration ज़्यादा होता है, that means उसका change in velocity आपको देखने के लिए मिलता है but not you are able to see in case of earth. understood? so this is the force. gravitation is the force with which two objects attract each other due to their masses. understood? So now next subtopic is 2, universal law of gravitation. This law is also known as Newton's law of gravitation, right? As this name was given by, this law was given by Newton, so it is also known as Newton's law of gravitation. Now here we have statement and then formula. Statement is
एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं. हियर वी हैव फर्स्ट इक्वेशन, फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू ऑब्जेक्ट्स मासेस. हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ देम इज ए, अदर वन इज बी. इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, एंड दीज आर देयर सेंटर्स. उनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा? डी. सो हियर फोर्स, इनके बीच में कितना फोर्स होगा? दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. राइट, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. नंबर सेकेंड इक्वेशन इज दिस फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू डी स्क्वायर. Right, the distance between their centers. Right, square of the distance between their centers. When you combine these two equations, so ye numerator tha, numerator mein hi rahega, aur ye denominator, denominator mein hi rahega, right? So here like this. Aapko humne pehle bataya, when you remove this proportionality constant, what you use? Equal. And then you put one constant. So here the constant is capital G. And rest of the thing is same. So this equation, this formula is matching with this one. Okay, this formula is universal law of gravitation's formula. Right, G is universal gravitation constant. अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. राइट, अब बाकी इस चीज़ से आपको पता है, दिस एफ इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एम इज कैप मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर द टू ऑब्जेक्ट्स सेंटर्स. राइट, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट SI यूनिट ऑफ जी. सो SI यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2. कहाँ से आया? हमने आपको पहले बताया है था, इफ़ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डिराइव द यूनिट ऑल्सो. सो हियर दिस वन इज द फॉर्मूला. राइट, जी आप एक तरफ रखो, बाकी की टर्म्स एक तरफ रख दो, देन इट इज एफ डी स्क्वायर अपॉन एम एम. सो एफ इज न्यूटन, डी मीन्स मीटर लेंथ, सो मीटर स्क्वायर इट इज, एंड दीज आर द टू kg. ऊपर जाएगा देन इट इज kg माइनस 2. अंडरस्टूड? सो दिस इज द यूनिट. राइट, देन अबाउट हिस्ट्री, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वॉज फाउंड आउट बाई हेनरी कैवेंडिश. राइट, उन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू जी का वैल्यू दिया था, नॉट यूनिट. राइट, वैल्यू ऑफ जी, सो वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2. सो दिस वन इज द यूनिट, दिस वन इज द वैल्यू. राइट, दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. ओके, वेदर यू आर ऑन मून, ऑन अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, राइट, द वैल्यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. राइट, सो दिस यू हैव टू लर्न इन टू योर मेमोरी. राइट, नेक्स्ट वी हैव सब टॉपिक नंबर 3, रिलेटेड न्यूमेरिकल. सो रिलेटेड न्यूमेरिकल, दिस वन इज टेकन फ्रॉम एग्जाम्पल 10.1 विच इज इन योर साइंस टेक्स्ट बुक. सो हियर एवरीथिंग इज रिटन इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. वट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक वन पेंसिल एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स. लाइक हियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मास ऑफ अर्थ इज दिस मच, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, वो हमने लिख दिया. देन मून, मून मास इज दिस मच, तो मून का हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया, वो भी लिख दिया. एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस मच, सो डिस्टेंस को हमने डी से रिप्रेजेंट किया, वो भी लिख दिया. राइट, एंड एफ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, दैट मीन्स कैपिटल एफ यू हैव टू कैलकुलेट. वैल्यू ऑफ जी इज ऑलरेडी गिवन, 6.673 था, तो यहाँ पे आप उसे राउंड ऑफ करेंगे, यू विल गेट 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2. अंडरस्टूड? देन नाउ नेक्स्ट इज बाय पुटिंग फॉर्मूला, पुट ऑल द वैल्यूज. Right, you will get answer. But what turning point here is, you must follow MKS system. M for meter, K for kilogram, S for second. Right, so these two are present in kilogram. Right, so it is following. This one is also meter and kilogram, so it is following. But here it is kilometer. तो आप क्या करेंगे? Kilometer को आप meter में convert करेंगे. कैसे करेंगे? Kilo में कितने होते हैं? This 1 kilometer, that means 1000 meter. Kilo means 3 zeros. Right, so here 10 to the power 3 meter. सो हियर दिस टर्न्स 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा. राइट, मीटर. नाउ नेक्स्ट इज वैल्यूज आपने डाल दी सारी की सारी, यू विल गेट आंसर. इसको सॉल्व, बहुत बड़ा है, सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हियर 10 टू द पावर माइनस 11, आप जितने भी पावर्स हैं, दिस वन एंड दीज, इन सबको आप एक तरफ लिखेंगे. राइट, ये और 7.4, ये सारा हमने उधर लिखा, ये 2 times था तो इसे लिख दिया. एंड हियर 10 टू द पावर माइनस 11, इसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. हियर 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 प्लस 22, माइनस 11 प्लस 24 प्लस 22, दिस 8 इंटू 2, हाउ मच? 16. ऊपर जाएगा तो माइनस 16. दिस होल यू विल सॉल्व, यू विल गेट आंसर 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव
नंबर फोर्थ सब टॉपिक असाइनमेंट नंबर वन फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 यू हैव टू डू एंड देन साइंस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 143 144 ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1 2 देन 3 4 5 यू हैव टू डू देन 6 ऑल्सो एंड 6 एंड देन देर इज 7 ऑल्सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक. यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहेंगे. हियर व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड राइट. सो हियर वी हैव द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर राइट. क्या होगा वेन दिस वन ऑफ देम आउट ऑफ दीज टू वन ऑफ देम टर्न्स इन टू 2m हो जाएगा देन दिस m एंड दिस डायरेक्टली रिलेटेड. सो इफ इट टर्न्स 2m दैट मीन्स f ऑल्सो टर्न्स टू 2f राइट बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड राइट. तो अगर आपका मास डबल होता है बिकॉज मास इज डायरेक्टली कनेक्टेड सो फोर्स इज ऑल्सो डबल्ड. नाउ हियर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर की पावर में है. अगर आप 2 करोगे राइट हियर डिस्टेंस टर्न्स 2 राइट स्क्वायर है सो इट विल टर्न 4 दैट मीन्स ये 1/4 हो जाएगा 1/4 राइट. सो फोर्स विल बी 1/4 अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट एंड सबमिट ऑन गूगल क्लासरूम. थैंक यू.